हेलो गाइस, माय नेम इज यश। हाय गाइस, माय नेम इज प्रियंका। एंड टुगेदर वी आर द ऑथेंटिक इंडियंस। गले में खींच खींच। यस गाइस, फिक्स की गोली लो, खींच खींच दूर करो। यश अपने मेंबर्स पे आ जाते हैं, जैसे तो व्लॉग चालू होती है ना, मेंबर्स वाला यश का माइंड वो चालू हो जाता है। हां, तो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हमने एक प्लान बनाया एंड देन यश बताएंगे उसके बारे में। डिटेल्स शेयर करना यश का काम है, गाड़ी वाले व्लॉग्स का। तो गाइज आज हम जा रहे हैं वाटरलू, या बेल्जियम के अंदर ही है। ऑफ कोर्स हम बेल्जियम का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूल्स कोरोना की वजह से वैसे ही हैं। और यहाँ पे जो है, मतलब बेल्जियम की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। यहाँ पे नेपोलियन अपनी आखिरी फाइट भी आ रहा था, तो मतलब हम बेल्जियम में फ्लैंडर्स एरिया में आते हैं, बट ये फ्लैंडर्स और वेलोनिया एक और रीजन है बेल्जियम का, उसका बॉर्डर पे आता है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स वो भी बेल्जियम में ही है, बट यहाँ पे बेल्जियम के अंदर ही बहुत सारे डिवीजन है। तो हम लोग जो है वो बीच में बॉर्डर पे जा रहे हैं, वेलोनिया और फ्लैंडर्स के बीच में। तो ऑफकोर्स जो लोग यहाँ रहते हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया ऐप, हम लोग यहाँ पे विकिपीडिया नहीं बता रहे हैं किसी को भी, तो आप अपना वहाँ जाके भी देख सकते हैं। आज हम जा रहे हैं वाटरलू और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, क्या है क्या नहीं आपको वहीं पे जाके दिखाएंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लोर, तो हमें भी नहीं पता है। तो एक लॉकडाउन का एक तो फायदा हुआ है, हम एक्चुअली में बेल्जियम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वरना हमारा क्या होता था। बेल्जियम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, नेदरलैंड्स का बॉर्डर बहुत पास है, फ्रांस का बॉर्डर बहुत पास है। तो जब भी यश और मेरे को मौका मिलता था ना, हम लोग जर्मनी निकल जाते थे, नेदरलैंड्स निकल जाते थे, फ्रांस निकल जाते थे, बट हम बेल्जियम नहीं एक्सप्लोर करते थे। बट दिस लॉकडाउन हैज मेड अस एक्सप्लोर बेल्जियम। वही बात होती है ना कि इंडिया में बगल में ताजमहल है, लेकिन ताजमहल कोई देखता नहीं है, सबको पेरिस का आईफल टावर देखना होता है। तो वैसे ही होता है, खुद ने भी आज तक मतलब सेवन वंडर्स में एक है हमारा ताजमहल, बट मैंने भी आज तक नहीं देखा, मैंने फर्स्ट आईफल टावर ही देखा था। नहीं, मैंने ताजमहल देखा हुआ, मैं एक बार गई हुई हूँ, बट देखेंगे कभी इंडिया गए तो यश को भी ताजमहल दिखा के लाएंगे। तो गाइस चलते हैं अभी और आपको फिर वहीं पे जाके दिखाते हैं वाटरलू। चलो गाइस चलते हैं फटाफट वाटरलू, विल मीट यू एट वाटरलू एंड सी दैट व्हाट वाटर पानी वाटरलू पानी सुसु नहीं है। नहीं, या आई वांट टू सी व्हाट वाटर इट हैज, लेट्स सी इज इट वर्थ इट, व्हाट गोइंग सुसु वाला वाटर है वो। फॉर ऑल द बेल्जियंस, फॉर ऑल द पीपल हु, फॉर ऑल द इंडियंस हु लिव नियर बेल्जियम, if this place is nice then they can come and visit. So we'll let you know at the end of the vlog that no, was it worth it or not, or you can visit Waterloo. वैसे तो लोग खुद ही देख लेंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कि अच्छा है या नहीं? हाँ, मतलब आपको पता चल ही जाएगा इस vlog में अच्छा है या नहीं। So keep watching guys. पहुंच चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और भाई देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। जैसा कि आपको बताया कि बेल्जियम की हिस्ट्री यहाँ से एसोसिएटेड है, यहाँ पे नेपोलियन अपनी लास्ट वॉर हारा था, तो यहाँ पे इनका बैटल फील्ड है। ये देखो, ये पीछे हमारे, ये पूरा इनका बैटल फील्ड है। यहाँ पे नेपोलियन जी हार गए थे, और हमारे पीछे म्यूजियम भी है भाई, आपको म्यूजियम भी दिखाएंगे यहाँ का, और जो कि बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है। तो पहले वो एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे आपको दूसरी जगह दिखाएंगे। प्रियंका आप भी आ जाओ आगे। आज देखो हम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, पूरे यहाँ के कोट वोट में पूरे बेल्जियन हो गए हम भी। पर बहुत ठंडा गाइस, मेरा हाथ भी ऐसे जमने को हो रहे हैं। तो भाई ठंडी भी बहुत है, प्रियंका के हाथ वाथ सब जम चुके हैं। यस गाइस, अब मेरे को अपना वो एस्किमोज वाला ना अवतार निकालना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है गाइस। हाँ, तो चलो गाइस फटाफट आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। आ जाओ हमारे साथ, चलो हमारे साथ, लेट्स गो। बेल्जियम ना अपनी फाइट्स के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे फ्रांस वाले जर्मन वाले कभी भी हमला कर जाते थे क्योंकि बेचारा बीच में पड़ता है देश। हाँ, वो होता है ना बीच वाला हमेशा मारा जाता है, तो बेल्जियम का वही हाल है। गाइस हम भी वहाँ जाने वाले हैं, आप देख रहे हैं, हम भी यहाँ जाएंगे ऊपर, बिल्कुल यहीं से हम भी हमला करेंगे नेपोलियन पे, चलो। तो गाइस जस्ट अभी हम एंटर ही हुए हैं यहाँ पे, प्रियंका का देख लो, प्रियंका अच्छी लग रही है आज। हाय हाय हाय, क्या कह रही हो? मैंने कहा ये तो मुझे अरसों में कभी कभी सुनने को मिलता है शादी के बाद। अच्छा, तो मैं भी लग रहा हूँ शादी वाले ने तीन चार बार ही सुने अपनी तारीफ, आप ज़्यादा करते हो। ओहो, आई डू सेल्फ अप्रिसिएशन। जैसा कि आपको पता है ये म्यूजियम में शॉप्स जरूर होती हैं खरीदने के लिए, तो ये वहीं हैं, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो गाइस जस्ट टिकट लिया, और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे कि प्राइस देख रहे हैं 16 यूरो एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए 8, तो आप लोग यहाँ के इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ और बच्चों के साथ। सारे हेलो बोल दो। यहाँ पे इन्होंने पिक्स में दिखाया हुआ कि कैसे फाइट होती थी। बट ये ग्रीनलैंड में लड़ते थे इंडिया में। हाँ, तो लोन है पूरा इंडिया में, तो
लैंड्स पे लड़ते थे ना, वो कुरुक्षेत्र वाला नहीं देखा आपने? वो महाभारत थी, यूरोपियन लड़ाई है। मस्त अपना सुंदर से लड़ रहे हैं। मेरे को पता है वो आमिर खान वाली मूवी की याद आ गई, लगान की। मंगल पांडे। मंगल पांडे नहीं थी, लगान। मंगल पांडे में लड़ाई थी, लगान कब से आ गई। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैनोरमिक व्यू, इन्होंने पूरा बैटल फील्ड बताया हुआ है यहाँ पे कि कैसे कैसे लड़ाई हुई थी। पूरा बैटल फील्ड है, पैनोरमिक व्यू दिया हुआ है इसका। प्रियंका आगे से दिखा दो। तो ये देखो गाइस कैसे इन्होंने पूरा बताया हुआ है साउंड इफेक्ट के साथ कैसे लड़ाई होती थी। ये पीछे इमेज भी लगा रखी है बड़ी सी। ये पूरा पैनोरमिक व्यू है यहाँ पे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी शायद, क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा है, बट कितने सही से एक्सप्लेन कर रखा है ना, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। और ये देखो पूरा पैनोरमिक व्यू में समझाया हुआ है कैसे कैसे बैटल फील्ड में क्या क्या हुआ था। लोगों ने पैनोरमिक फोटो देखी होगी, आज पैनोरमिक वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट बहुत अच्छी फील आ रही है, लाइक बेल्जियम कल्चर के बारे में सीखने को मिल रहा है। अब हम यहीं रहते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम जहाँ पे भी रहते हो यू शुड नो अबाउट दैट पार्ट ऑफ द सिटी और द कंट्री। इंडिया में भी अगर आप साउथ रहते हो तो साउथ की नॉलेज रखो, अगर आप इंटरनेशनल कहीं रहते हो तो वहाँ की भी नॉलेज होनी चाहिए यार। अच्छा दूसरी साइड भी देखते हैं वहाँ लड़ाई में क्या हुआ था। कम ऑन फॉलो मी। अरे वो घोड़े वोड़े मरे हुए पड़े हैं देखो। हाँ ये प्रॉपर बताया हुआ इन्होंने यहाँ पे क्या क्या होता था। नहीं इसी, हाँ वैसी ही है। जय माता दी। चलो ये सात तोपों की सलामी का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है, पूरी गिनती के साथ है। यार एक बात बताओ, इतने सुंदर फील्ड में कौन लड़ेगा, यहाँ तो पिकनिक विकनिक बनाओ, लड़ रहे हो अपना। बेबी उसकी सुंदर चीज पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे, ये हमारी होनी चाहिए। हमेशा लड़ाइयां सुंदर चीजों के लिए ही होती है, लाइक गर्ल्स। पद्मावती पद्मावती खिलजियों का परचम अमर रहे। बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू है, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं बट सुंदर बहुत है। आज हमारी वीडियो कितनी क्लियर आ रही है ना, बाहर निकले हैं तो घर में साला लाइट ही नहीं होती बेल्जियम में। बेल्जियम में ही मतलब यूरोप में नॉर्मल प्रॉब्लम है, यहाँ की सर्दियों में विंटर्स में लाइटिंग बहुत ही गंदी होती है। हाँ, तो हमारी वीडियोस में रिंग लाइट लगा लो, कुछ लगा दो, गंदी आती है। ये लोग घर में भी वार्म लाइट यूज़ हाँ, और लाइटें इतनी बुद्धू बुद्धू, अपनी इंडिया की तरह ट्यूब लाइटें नहीं होती। व्हाइट लाइट। वी स्ट्रगल मैन, सी स्टिल वी आर मेकिंग व्लॉग्स। और मेरे हाथ ठंड में फिर से फ्रीजिंग है। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, आज हम अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर सुंदर से। चलो तुम इतनी तारीफ खुद की कौन करता है बेबी। आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। लाइन में लगना पड़ेगा, यहाँ पे बारी ऐसे ही नहीं आएगी। हाँ कोई बात नहीं, पीछे ऊपर का भी दिखा दूं मैं। ये देखो भाई कितनी ऊपर, हाँ इसको लायन बोलते हैं यहाँ ऊपर जाए, मतलब ऑफकोर्स। और आपको थोड़ा बता भी दूँ हिस्ट्री के बारे में, रूट द लायन इस जगह का भी नाम है। और यहाँ पे ऑफकोर्स लड़ाई हुई थी जैसा कि हमने आपको बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या थी, जो नेपोलियन था वो सिर्फ 2 मिनट लेट आया था भाई, और दो और वो हार गया था 2 मिनट की वजह से। गाइस और हम इस जगह की लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर समबडी इज स्टेइंग इन यूरोप एंड दे वांट टू विजिट दिस प्लेस तो आप जा सकते हैं, हम यहाँ का एड्रेस डाल देंगे। हाँ सब कुछ सब डिटेल देंगे हम आपको, टेंशन मत लो, आ जाओ। और पीछे देखो फोटो सेशन भी चल रहा है हमारा, जो बाकी के लोग आए हुए हैं हमारे साथ। सो गाइस जो ये अभी यश ने आपको लायन दिखाया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ पीस टू यूरोप। और ये जो लायन है दिस इज 28 मेट्रिक टन्स, तो ये 28 मेट्रिक टन्स का बना हुआ है। एंड 220 सीढ़ियां हैं इसमें शॉर्ट में, 6 स्टेयरकेस है इसको पहुंचने के लिए, और ये 41 मीटर हाइट पे है। सो अगर आप आ रहे हैं तो आप जूते पहन के आए, बिकॉज अदरवाइज वरना टूटे फूटे जाओगे। फाइनली हमारे बैच का नंबर आ गया इतना वेट करने के बाद, आधा घंटा। चलो आपको बाद में मिलते हैं हम। हाँ बिल्कुल। लेट्स गो। 226 सीढ़ियां। जय माता दी, जोर से बोलो। भाई व्यू भी यहाँ बहुत अच्छा है यहाँ से। प्रियंका थक चुकी है। आ जाओ भाई भाई, लेकिन बहुत ऊंचा है। और व्यू देखो भाई यहाँ पे, ओह माय गॉड, ब्यूटी 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 ब्यूटी। कम ऑन प्रियंका, यू कैन डू इट।
सांस तो चढ़ गई है मेरी भी। भाई देख लो यहाँ से हैं भाई व्यू, दिस इज कॉल्ड नेचर ब्यूटी। एक ये है मेरी ब्यूटी। टॉप पे आ गए हम, और यहाँ पे 1815 में लड़ाई हुई थी, और प्रियंका फाइनली। और मेरे हाथ पे सुन हो गया, ऐसा लग रहा है ठंडी है ना, सुइयां चुभ रही है जैसे। हाँ पूरे रेड हो चुके हैं भाई। व्यू देखो यहाँ से ऊपर से, यार कहाँ लड़ने का मूड करता है, इतनी बढ़िया जगह आ गए। चिल मारो, पिकनिक करो, हैं लड़ाई कर रहे हैं भाई साहब। चलो इनकी लड़ाई के चक्कर में हमारा व्लॉग बन गया। स्टैचू ऑफ पीस लायन आपको दिख नहीं रहोगा यहाँ से, हैं यहाँ से दिखता नहीं है ना, पर लोगों को ये देखो ऊपर लायन है। डरा देते हो आप यार, ऐसे काम मत करो। अच्छा गाइस हमारे पीछे का व्यू सो ब्यूटीफुल, कैमरा में दिखेगा नहीं। तो भाई वापस जाने का समय हो चुका है हमारा अब, तो गोइंग डाउन बैक। स्लिपरी है, थोड़ा आराम से आना। ये बोल दो ये। बहुत सीढ़ियाँ थी भाई, खत्म ही नहीं हो रही थी। चले जा रहे ऐसा लग रहा था 500 सीढ़ियाँ हैं, बहुत टायरिंग था। बोलो जय माता दी, जय माता दी, आई डिड इट। तो भाई अभी हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं, यहीं पे फिल्म 3D, तो ये पूरा फिल्म में मूवी में बताएंगे। इन्होंने पूरी बटालियन अपनी यहाँ पे दिखाई हुई है म्यूजियम में। सेठ आदमी अक्षय कुमार की आवाज में। सेठ जी ऊपर आ जाओ। सेठ जी जब हम थिएटर में आए हुए मूवी देखने के लिए, हिस्ट्री, अरे लाइट होगी। हाय गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने म्यूजियम देखा। म्यूजियम जनरली ये शो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, बट स्टिल दिस वाज इंटरेस्टिंग। अभी हम एक 4D मूवी देख के आ रहे हैं, थोड़े से शॉर्ट्स हम दिखा देंगे आपको। हाँ ग्लासेस नहीं थे तो, बट आई थिंक अच्छा पार्ट ये था कि बेल्जियम की हिस्ट्री के बारे में पता चला। ऑफकोर्स हमको थोड़ा बहुत पहले पता भी था, बट अभी ये है कि हमको फाइनल इसका रिजल्ट ये है कि बेल्जियम ले दे गई उसकी घसी घटते थी। मतलब कोई भी आ जाए, फ्रांस वालों ने 20 साल लगातार फाइट करी है इन लोगों के साथ, और मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ। तो फ्रांस भाई सबका ऐसी था, दुश्मन था, तो फ्रांस वाले आ गए यहाँ पे युद्ध कर दे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी थी कि बेल्जियम बीच में पड़ता है हर कंट्री के, तो फ्रांस को कहीं पे भी हमला करना होता तो बेल्जियम की लेनी देनी करके जाता था बीच में। मतलब हम अपने वर्जन से बता रहे हैं हिंदी में अच्छे से। बेल्जियम किसको सपोर्ट करता किसको नहीं करता, हाँ तो हमेशा बीच में फंसा रहता था। तो गाइज दिस वॉज आवर व्लॉग। आपको वाटरलू की हमने हिस्ट्री बताई बेल्जियम के किसी एक एरिया की, हमने भी आज एक्सप्लोर किया, कुछ लर्न किया नया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड please like, share and subscribe to our channel which is The Authentic Indians, and see you guys in the next vlog. Bye bye.